नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किशन कुमार और आपका स्वागत है हमारे चैनल एसके वेब डिजाइनर में। मेरे सामने एक कैमरा है, ठीक है। इस कैमरे का नाम है लेनिक। ये PTZ कैमरा है, 4K रिजोल्यूशन है इसका। इसके बारे में डिटेल बताता हूँ, मेरे स्क्रीन पर आइएगा आप। यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे इसका मॉडल नंबर क्या है, लेनिक GB01003, ठीक है। उसके अलावा इसका जो टाइप है PTZ कैमरा, मैंने ऑलरेडी बताया ये PTZ कैमरा है। इसका रिजोल्यूशन हम जानते हैं, तो रिजोल्यूशन इसका आपका 4K 1080 प्लस 720 आपका ये रहेगा। उसके अलावा जो वीडियो फॉर्मेट है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जस्ट यहाँ पे हम ऑप्टिकल जूम पे चलते हैं तो यहाँ पे आपको 12x इसका ऑप्टिकल जूम रहेगा, डिजिटल जूम इसका 16x रहेगा। उसके अलावा हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि ये इसका जो पावर कंजप्शन है कितना है, क्योंकि मैटर ये करता है कि इस कैमरे का पावर कंजप्शन ये कितना है। तो इसमें 12 वाट का ये इसका पावर कंजप्शन आपको दिख जाएगा। उसके अलावा इसका जो वेट है, वेट इसका आपको दिखाता हूँ, वेट इसका आपको 1 kg के अप्रॉक्स यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले आप कैमरा पास लेके आइएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके सारे पोर्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑन ऑफ का बटन मिल जाएगा। यहाँ पे ये पावर कंजप्शन जो आपका पावर देने के लिए यहाँ पे पोर्ट दिया हुआ है 12 वोल्ट का, यहाँ पे मैंने पावर दे दिया है। पावर देते ही कैमरा ओपन होता है और कैमरा ओपन होते ही कुछ इस तरह से ये रोटेट करता है, ठीक है। रोटेट होते ही ऑटोमेटिक वो फ्रंट को फोकस करेगा। मैं वो भी दिखाऊंगा कि इसका जो कैमरा कैसा क्वालिटी है, वो भी मैं दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे आपको USB पोर्ट दिया हुआ है। ये USB पोर्ट मान लीजिए आपको इसे सिस्टम से कनेक्ट करना है, लैपटॉप से कनेक्ट करना है, तो उसके लिए दिया हुआ है। यहाँ पे आपको 3G SDI दिया हुआ है, ये भी एक तरह से और भी पोर्ट्स हैं कुछ काम में। मान लीजिए आपको IP कैमरा होता है उसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको HDMI पोर्ट दिया हुआ है। मैं इसे अभी HDMI पोर्ट से कनेक्ट कर रहा हूँ, वो भी डिजिटल बोर्ड में मैं इसे दिखाऊंगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे लाइन पोर्ट दिया हुआ है। मान लीजिए आपको माइक वगैरह कनेक्ट करना है तो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर उसको आउटपुट देना है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे नेट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसे लैन केबल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे रीसेट बटन, मान लीजिए कभी कैमरा में कुछ सेटिंग आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको आपने कुछ भी इससे गड़बड़ कर दिया, तो यहाँ से आप रीसेट भी इसे कर सकते हैं। सबसे पहले काम करते हैं इस HDMI पोर्ट को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। ये मेरा जो HDMI पोर्ट है, मेरे डिजिटल बोर्ड से भी कनेक्ट है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसे रख दिया है कैमरा। सबसे पहले इसके बटन पे फोकस कीजिएगा। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, नंबर का भी यूज़ किया है वो भी मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपको ऑटो, फार, नियर, मैनुअल, ये सारे फोकस को एडजस्ट करता है। आप इसे जूम कर सकते हैं फास्ट में या स्लो में, ये आपके अकॉर्डिंग है, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ पे मेन्यू बटन दिया हुआ है, होम बटन दिया हुआ है, यहाँ से भी आप रीसेट कर सकते हैं इस कैमरे को। कहीं भी मुझे रोटेट करना है तो यहाँ पे लेफ्ट राइट का बटन है, जो ऊपर अप डाउन करना है तो अप डाउन, मान लीजिए मुझे अप करना है मैंने अप कर दिया, डाउन करना है मैं डाउन कर सकता हूँ, लेफ्ट करना है लेफ्ट या राइट करना है राइट, अपने अकॉर्डिंग यहाँ से हम लेफ्ट राइट कर सकते हैं, ठीक है। जूम करना है तो यहाँ से हम जूम कर सकते हैं, जूम आउट करना है तो जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि मान लीजिए मेरा पहला लोकेशन है, मैं यहाँ पे इसे पहला लोकेशन सेट करता हूँ, तो यहाँ पे प्रीसेट सेट करके एक बटन आता है, मैंने इस पर क्लिक किया, ये रहा प्रीसेट बटन, इस पर मैंने क्लिक किया और फर्स्ट नंबर ये वाले ब्लैक वाले फर्स्ट नंबर मैंने क्लिक किया, ये हमारा यहाँ पे पहला नंबर पे ये सेट हो गया, ठीक है। दूसरा लोकेशन मान लीजिए मैं हल्का सा इसे चेंज करता हूँ इस तरफ की ओर, अपनी ओर थोड़ा सा करता हूँ, ये इस तरफ की ओर आ गया, ये लोकेशन 2 है। कैसे सेट करूँगा, यहाँ पे प्रीसेट पे क्लिक करूँगा और नंबर 2 पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे लिखा गया होगा आपका दिखेगा प्रीसेट 2, यहाँ पे दिखेगा आपको सेट 2 ओके, तो मतलब सेकंड नंबर लोकेशन पे ये सेट हो गया। अब मैं फर्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक कैमरा इधर आ जाएगा, सेकंड पे क्लिक करूँगा तो कैमरा इस तरफ आ जाएगा, मतलब मैंने 2 लोकेशन सेट कर रखा है। आप कहीं भी मान लीजिए एक बोर्ड के तरफ लोकेशन सेट करना चाहते हैं, एक कुछ बच्चों की तरफ भी लोकेशन सेट करना चाहते हैं तो इसके थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बोर्ड में क्या होता है, कहीं रूम में अंधेरा है थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाना है तो वो सारे सेटिंग आपको मेन्यू बटन से होते हैं। यहाँ पे मैं मेन्यू बटन पे क्लिक करूँगा और उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखेंगे कि एक्सपोजर, मान लीजिए कलर चेंज करना तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, इमेज के कुछ में इमेज में कुछ भी चेंजेस आपको करना है तो यहाँ से आप कॉन्ट्रास्ट शार्पनेस अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए कैमरा जो है मैक्सिमम जगह उल्टा लटकाया जाता है क्योंकि कैमरा इस तरीके से लगता है, जब कैमरा उल्टा लटकेगा तो आप इसे सीधा कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पे आपको फ्लिप भी करके कुछ ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप देखेंगे
यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये आपका उल्टा सीधा यहाँ से होता है, ये आपको दिख जाएगा। या फिर मान लीजिए आपको हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन्टल आपको लेफ्ट राइट करना है, तो आप यहाँ से इस तरीके से इसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये कैमरे के बारे में सारी कुछ बातें बताई है, अगर कुछ छूट भी जाता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। उसके अलावा इस कैमरा से रिलेटेड जितना भी इन्फॉर्मेशन है मैंने लिंक में डाल दिया है। अगर आपको प्राइस के बारे में कुछ भी जानना है तो नीचे आपको यहाँ पे आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप इस पे जाइए, आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, आपको प्राइस रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।